नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं काले चने की चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। काला नमक, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, नींबू, एक आलू को बारीक चॉप कर लिया है, आप इस आलू को उबाल करके भी रख सकते हैं, प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर और ये काले चने हैं, इसको मैंने रात भर भिगो करके रखा था और इसके बाद उबाल लिया थोड़ा सा नमक डाल करके। और ये देखिए इस तरीके से मैश हो रहा है, इसी तरीके से उबालना है। दो हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रखेंगे और गैस ऑन करेंगे तेज फ्लेम में, और इसमें तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ी देर हम गरम हो जाने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देना है जीरा, थोड़ा सा इसे इस तरीके से चला लेना है। अब डालेंगे प्याज, इसे भी इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे, हमें ज़्यादा इसको नहीं भूनना, इतना ही भूनना है। अब इसमें डाल देंगे आलू, आलू इसकी जगह आप उबाल करके भी आलू रख सकते हैं, मैंने कच्ची आलू ही ली है, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। अच्छे इसको लाल होने तक भून लेंगे आलू को, इस तरीके से हम चला चला करके। तो ये देखिए आलू हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, इसे भी इस तरीके से मिला लें। और ये मिक्स मसाला, इसमें हमने जीरा, धनिया और लाल मिर्ची को भून करके और अच्छे से इसको पीस लिया था। तो ये मिक्स मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है, इसमें जीरा रहता है, तो जीरा पाउडर हमने अलग से नहीं बनाया है, इसी में बनाया है। और ये लाल मिर्ची पाउडर, ये बहुत तीखा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ही लिया है। आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है। ऐसे हम इस तरीके से चला लेंगे और सबको मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चने और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसको चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, तो अच्छे तरीके से पक चुका है। चना, आलू और जो भी मसाले डाले थे हमने, तो वो सब पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे काला नमक, नमक हमने पहले चने में भी डाला था, तो इसलिए नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ। और इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब डाल देंगे चाट मसाला, चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए ध्यान से डालिएगा नमक, नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो फिर पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसे एक बार आप भी बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारी चाट पूरी तरीके से पक चुकी है, इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू खटास के लिए, आप चाहें तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके दाने निकाल करके बाहर फेंक देंगे नींबू के, और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरा। प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, टमाटर, इसमें टमाटर पूरा डाल देंगे, इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, टेस्टी लगती है। डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी मिला लें इस तरीके से। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, हमारी चाट पूरी अच्छी तरीके से बन गई है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसको भी आप ज़रूर बना करके एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। अब चले चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी चाट बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।